आज अपना वचन मुझे दे पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर मेरी दुआ है आज जिन लोगों के तेरा कलाम समझ में आ जाए उनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल जीसस मसीह में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रॉफेट भजिंदर सिंह के एक वीडियो को मैं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे पापा जी ने एक वचन बोला है। आज अपना वचन दे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर मेरे दुआ है आज दिन लोगों तेरी कलाम समझ में आएगा, उनकी जिंदगी बदल जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मैं परमेश्वर प्रयास कर रहा था तो हरियाणा में एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, ये प्रचार तो 2 साल पहले हमने सुन चुका था। तो मैंने कहा, बेटे जब नेरो पेंट फिर से 20 साल के बाद वापस आ जाता है, तब उस व्यक्ति को समझ में आया आप प्रचार 20 साल के बाद फैशन रिपीट हो जाता है, 2 साल प्रचार भी रिपीट हो जाता है। तो क्या आपने उस व्यक्ति को फिर से समझ में आया और बोला, पापा जी मुझे माफ़ करना और क्षमा करना, पिताजी मुझे मालूम नहीं था कि ये फिर से हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इस रिपीट वाले प्रचार को और वीडियो को भी देखते हैं। कितने लोग तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए, बोला हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो वो जीना चाहता हो, लेकिन करे शैतान उन्हें जीने ना दे रहा हो। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां आपको जीने ना दे रही हूं, और आपका दिल कर रहा हूं कि नहीं यार मैं अब जीना नहीं चाहता। कितने लोगों का दिल करता कि मैं जीना नहीं चाहता, उन लोगों के लिए मेरी दुआ है कि आज का वचन उनकी समझ में आए, क्योंकि आज एक एंजल यहां पर आया हुआ है और कह रहा है कि एक एक जन को के कामों को, असंभव कामों को संभव करने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत आज रात आपके पास आए हुए हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में बने रहो। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बना रहेगा स्वर्ग से मुट्ठी खोलने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए। कितने लोग तैयार हैं आज? तैयार है हाँ के ना? यस। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो ब्लेसिंग मिलेगी आपको, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा में, तो एक भाई मेरे पास आया, बोला, कह रहा जी ये प्रचार तो हमने 2 बार सुन लिया, आपने तो पिछले साल भी किया था। मैंने कहा, बेटे नैरो बॉटम जो पैंट होती है ना, उसका 20 साल बाद घूम के फैशन फिर आ जाता है। मैं कहा, जो पैरेलल पैंट होती है ना, उसका घूम के फिर फैशन आ जाता है। एक औरत को पता लगा, हरियाणा की थी बेचारी, अपने पति से लड़ रही, कह रही मैं तो पटियाला सूट ले आऊंगी, पटियाला सूट। उसके पति ने कहा, पटियाला सूट हमने तो देखा नहीं भाई कैसा उसने पटियाला सूट सिलवा लिया, एक नहीं सिलवाया 100 सूट कट्ठे सिलवा लिया पटियाला सूट, और वो फैशन बंद हो गया उसने कहा, ये पटियाला सूट में क्या है? कह रहा, इतने बटे दे रखे, इतने तेरे मत्थे पे बट चढ़ रहे। आपने देखा सलवार में बटे होते हैं, वो पटियाला सूट में, उसको बोलते हैं पटियाला सूट। कह रहे कि आज कैसा भी, ये सबसे ज्यादा लेडीज फैशन करती हैं, आदमियों के तो बेचारों के फैशन है ही नहीं। आदमियों के तो बस एक पैंट है, एक जूते हैं, जैकेट है, टोपी है, बस यही है, और इनके लहंगे पहंगे छेंगे पता नहीं क्या क्या, इनके अलग अलग फैशन है, इनके सारा फैशन से भरे पड़े हैं यहाँ पर। सारे बोले हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये फैशन आपको करने के लिए दिया है, आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कह रहे कोई भी मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो परमेश्वर कह रहे कि आज परमेश्वर भी करे कि आप लोगों के लिए यू टर्न मार कर वापिस आने वाला है मसीह का नाम। विश्वास करना, करा उस व्यक्ति को मैंने समझाया कि इजरायली लोग जब जंगल में जा रहे थे 40 साल, तो उन्होंने 2 बार जनगणना किया, 2 बार उनका फैशन घूम कर आया, दोबारा से उन्होंने जनगणना किया 20 साल के बाद, कहते कि जनगणना हुई, फिर 20 साल के बाद जनगणना हुई, दोबारा और यही बात कर 20 साल के बाद फैशन रिपीट हो जाता है। हालेलुया। तो हर साल के बाद प्रचार भी रिपीट हो जाता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए आज आज का वचन, जो विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिन्होंने घर नहीं बनाया आज उनके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम में, उनके लिए ब्लेसिंग की दिन है आज, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। इब्रानियों की किताब 10:33 में देखेंगे हम क्या लिखा, 10:38 में हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा हाँ। और यदि वो पीछे हट जाए हाँ। तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। देखो क्या लिखा है, कह रहे कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। कह रहे इसका मतलब कह रहे कि वो जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हट जाए तो उस, अगर उसका मन पीछे हट जाए तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। हालेलुया। याद रखना जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उनकी जिंदगियों में कभी भी गरीबी, कर्जे, बीमारियां, समस्याएं जल्दी से नहीं आती। परमेश्वर अगर प्रसन्न है, अगर परमेश्वर खुश है तो मैं कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी आपकी सुधर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, कह रहा है जो विश्वास से जीवन जीता है, विश्वास की चाल चलता है। यहां पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है कि धर्मी जन इस बात को याद रख ले, कह रहा है विश्वास से जिंदा रहेगा धर्मी जन। किसके द्वारा जिंदा रहेगा? विश्वास से। तो ये वीडियो आप लोगों को देखने में कैसे लगा? सभी को जय मसीह की हालेलुया, आमीन आमीन।